कि 16 तारीख को देश के नेता राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो अभी अंतिम चरण में है, तो वो स्पेशली खास करके मुंब्रा वासियों को मिलने के लिए, जो उनके प्रोग्राम में नहीं था, उनको रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है चलो मुंब्रा आते हैं। तो वाई जंक्शन पे आके, वाई जंक्शन के सीधा निकल के, मुंब्रा स्टेशन से सीधा निकल के फिर वो कलवा चली जाएंगे। तो कलवा और मुंब्रा वो लोगों को मिलने आ रहे हैं। ये नफरत के बाजार में जो उनकी मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली है, देश में बढ़ती हुई नफरत, देश में बढ़ती हुई विद्वेष की राजनीति सियासत, ये देश को कोई आगे नहीं लेके जा रही है, हालांकि सालों पीछे डाल रहे हैं। हम सभी को जो उनके ख्यालात है उसके बारे में सोचना चाहिए कि देश से बड़ा कोई नहीं है। मैं उनके उस एक वाक्य जो उनका है, एक सेंटेंस जो है, जो लफ्ज में वो कहते हैं कि किसी पार्टी का झंडा मैं नहीं लेके चलूंगा, मैं चलूंगा देश का तिरंगा लेके। वो तिरंगा जो भारत के आजादी का निशान है वो बचाना है, देश का संविधान बचाना है, देश की धर्मनिरपेक्षता बचानी है और देश में का शोषण बचाना है। आज मणिपुर में अत्याचार होके 1.5 साल होने के आए पर सत्ताधारी पार्टी से एक भी आदमी नहीं बोला। पर उसी मणिपुर में जब यात्रा शुरू हुई तो वहां जो भीड़ दिखी उससे पता चलता है कि लोगों को राहुल के जी के बारे में कितना प्यार है। अब अपने वाई जंक्शन से वो अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता तो जुड़ ही जाएंगे, लेकिन जब एक आदमी बोलता हो कि मैं सियासत करने के लिए यात्रा नहीं निकाल रहा हूं, इस देश को जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहा हूं, सभी लोग जो ये मानसिकता रखते हैं कि देश की धर्म निरपेक्षता सेक्युलरिज्म, देश की अखंडता अबाधित रहनी चाहिए, बचनी चाहिए, वो सब लोगों से मैं कहता हूं पार्टी छोड़ दो, आप कौन से पार्टी के हो क्या हो, लेकिन हम देश बचाना चाहते हो, तिरंगी की इज्जत करना चाहते हो, संविधान बचाना चाहते हो, तो आपको इस यात्रा में शामिल होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मुंब्रा में 100% लोग वो है जो चाहते हैं कि संविधान बचना चाहिए, देश एक आजाद माहौल में आना चाहिए और देश का लोकतंत्र बचना चाहिए। सर, जैसे कि देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में इस वक्त नीतीश राणे किस तरह के, सर वो देखो एक तरह से नीतीश राणे, टारगेट कर रहे हैं सर। आप नीतीश राणे को बढ़ावा मत दीजिए, अल्लाह के वास्ते वो यही चाहते हैं कि तुम पूछो, फिर मुसलमानों में गुस्सा पैदा हो, फिर रिएक्शन आए। क्यों चाहते हो ये सब? क्यों गया था फिर कांग्रेस में पहले वो? अगर इतना ही उसको था तो गया था क्यों कांग्रेस में? क्यों उसके पिताजी ने मंत्री पद लिया था कांग्रेस में? ये लगातार सर उन पर एफआईआर की कोशिशें की जा रही है और ये देखो, ये गवर्नमेंट किसी के ऊपर एफआईआर नहीं करेगी। वो राजा के ऊपर क्या बोल के गया था, हुई एफआईआर? मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया, नहीं होती एफआईआर, क्योंकि सरकार नहीं चाहती, या सरकार ही चाहती है कि दंगा हो जाए, तो हम क्यों लोगों को भड़काए दंगे करने के लिए? मैं तो मुसलमानों को हाथ जोड़ के बोल रहा हूं शांत रहिए, कुछ महीने शांत रहो। वो चाहते हैं कि दंगा हो जाए ताकि बेकारी, महंगाई, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, देश में देश की इज्जत जो पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खराब हो रही है वो सबसे बचना है, तो धार्मिक दंगा करवा दो। यानी कि राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा इस नफरत की गर्मी में ठंडी तो लग रही हमने हमने वही बोला है ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा है, वो मोहब्बत बांट रहा है, बेच नहीं रहा है, बांट रहा है।